नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने एक बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र आयोजित किया है। हजारों वर्षों तक चलने वाला यह सत्र सहस्त्र सम मास था। संकल्प ही ऐसा है कि हजारों वर्षों तक यह यज्ञ करना है, हजारों वर्षों तक कोई सत्कर्म हमें करना है। ऐसा क्या कोई संकल्प हो सकता है? हजारों वर्षों की हमारी आयु नहीं है, हम कह सकते कि हमको 7 दिन भागवत करना है? अब ऐसा संकल्प कैसे करोगे कि मुझे हजारों वर्ष तक भागवत करना है, जब आयु नहीं हमारी? लेकिन यहां बात यह है कि जब भी आपको श्रेष्ठ काम करना है, जब भी धर्म कार्य करना है, उस समय खुद को अजर अमर समझना चाहिए। हम कभी मरने वाले नहीं है, यही समझ करके निर्णय करो। जब यही सोच लिया कि जीवन आज है कल का पता नहीं, तो न तो गौशाला बनाओगे, न तो धर्मशाला बनाओगे, न तो मंदिर बनाओ, कुछ भी नहीं बना करो। धर्म कार्य करते समय, धर्म कार्य का जब आप संकल्प करो, यही समझ करके करो कि हम मरने वाले ही नहीं है, यही समझ के करो। तो जिंदगी के आखिरी दिन तक सत्कर्म हो सकता है, अन्यथा 50-60 के बाद, 60-70 के बाद आप कुछ भी करने का निर्णय नहीं करोगे। न तो आप तीर्थ यात्रा का निर्णय करोगे, न तो आप मंदिर बनाने का निर्णय करोगे, आप विचार ही नहीं कर सकते। ये बार बार यही आएगा, अब तो 70 के हो गए, अब तो 80 के हो गए, अब क्या मतलब? जीवन के आखिरी दिन तक, जीवन के आखिरी क्षण तक हमें सत्कर्म का संकल्प करना चाहिए। और शायद ये वाला शरीर खत्म हो गया तो दूसरा शरीर केवल और केवल धर्म के लिए मिलेगा, दूसरा केवल सत्कर्म के लिए मिलेगा। अच्छी कार्य के संकल्प को करने का यह लाभ है, हो गया तो भी आनंद है, और वो कार्य नहीं हुआ तो नहीं होने में भी कोई नुकसान नहीं है। संकल्प में क्या लगता है भाई? संकल्प में केवल एक चम्मच जल लगता है और क्या लगता है? संकल्प तो मानसिक रूप से करो, जल भी नहीं लगेगा ना, संकल्प में कुछ नहीं लगता। श्रेष्ठ कार्य का निर्णय खुद को अजर अमर समझ कर करें, लेकिन कोई स्वार्थ का काम करना है तब ये सोचना चाहिए कि जीवन आज है कल का पता नहीं, हम क्यों अपराध करें, हम क्यों यार, तब रोक लग जाएगी। जीवन की क्षणिकता समझोगे तो रोक लग जाएगी गलत काम पर। तो इसलिए सत्रह स्वर गाये लोकाय सहस्त्र सम मास, हजारों वर्ष तक सत्कर्म करना है। मतलब यह है कि अब जीना ही सत्कार्य के लिए है, ऐसा निर्णय करके नैमिषारण्य में
वैसे भी परमार्थ का संकल्प व्यक्ति को स्वस्थ भी रख सकता है। जितना सुंदर संकल्प करोगे प्रकृति उतना सुंदर जीवन देती है, जितना बड़ा संकल्प करोगे प्रकृति उतना अद्भुत जीवन देती है, जितना दिव्य संकल्प करोगे जगदम्बा उतना दिव्य जीवन प्रदान करती है। अगर आयु भी खत्म हो गई हो तो आयु भी प्रकृति बढ़ा देगी आपकी, अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो। श्रेष्ठ कार्य का संकल्प काल को टाल देता है। अच्छी कार्य का निर्णय व्यक्ति को मृत्युंजय बना देता है, मृत्यु पर भी विजय प्रदान कर देता है। यदि वो कार्य प्रकृति को मंजूर है, यदि वो कार्य अस्तित्व को अच्छा लगता है, यदि वो कार्य परमात्मा को अच्छा लगता है, तो उस कार्य को कराने के लिए आयु में भी परिवर्तन हो जाता है। सहस्त्र सममासतः यज्ञ हो रहा था नैमिषारण्य में, और वहीं पर श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी के आगमन से सौनक आदि ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि सूत जी महाराज को एक वस्तु प्राप्त हो गई है, गुरुदेव की कृपा से उनको रस सिद्धि प्राप्त हो गई है। किसी भी माहौल को वो रस से भर सके, अध्यात्म से भर सकते, प्रसन्नता से भर सकते। सूत जी को देखकर सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और निवेदन किया कि सूत जी हम यज्ञ तो कर रहे हैं, यज्ञ से बाहर का हवामान पवित्र होता है, लेकिन जब तक मनुष्य का भीतरी हवामान नहीं सुधरेगा तब तक लोग बाहर का हवामान बार बार खराब कर देंगे। वास्तव में बाहर का हवामान भी तो हमारे भीतरी हवामान पर ही तो निर्भर है ना। जब हमारा मन विकृत है, हमारी बुद्धि विकृत है, तो मन की खराबी बुद्धि की खराबी के कारण हम जहां भी जाएंगे वहां का माहौल खराब कर देंगे। अब किसी किसी को साफ सुथरा मकान दे दो, इतना गंदा करके वापस देंगे, और किसी किसी को गंदा दो इतना साफ सुथरा करके कर देंगे वापस करेंगे, क्योंकि उसकी मनमति पर आधारित। लोगों का भीतरी हवामान अंतर्मन कैसे विशुद्ध हो। सौनक जी ने कहा कि हम जानते हैं कि इसका उपाय धर्म है। लोग ये नहीं जानते कि धर्म क्या है, धर्म को जानते नहीं है और धर्म को मानते हैं। इससे भी लाभ नहीं है, धर्म को मानते हो तभी तो कथा में बैठते हो, धर्म को मानते हो तभी मंदिर जाते हो, धर्म को मानते हो तभी यात्रा करते हो। धर्म को मानते ही नहीं है तब तो करोड़ों लोग मंदिर जाएंगे नहीं। धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग, लेकिन उस मानने से भी कोई फायदा नहीं है जो जानते नहीं और मानते। धर्म को जानते नहीं और धर्म को मानते हैं, तो हम जो कुछ धर्म क्रिया करते हैं वो एक दूसरे की नकल हो जाती है। क्या धर्म बहुत बड़ी वस्तु है, धर्म ही धरा है हमारी।
यदि शास्त्रों को पुराणों को सूत्रात्मक रूप में समझो तो पता चलेगा धर्म क्या है। जहां भी धर्म शब्द आता है उस पंक्ति को देखो, एक स्थान पर आपको मिलेगा धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। दूसरा, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परोपकार धर्म है। तीसरे स्थान पर आपको कहीं मिलेगा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा धर्म है, परोपकार धर्म है, सत्य धर्म है, दया धर्म का मूल है, दया धर्म है। तो जिस शब्द के पास धर्म शब्द है, जिस गुण के पास धर्म शब्द है, उन गुणों का होना हमारे जीवन में धर्म का होना हो जाता है। धर्म कहते हैं जमीन को, धर्म जमीन है। मान लो आपके पास बीज तो है लेकिन जमीन नहीं है तो कहां बोएंगे? बीज है जमीन नहीं है तो बोना कहां होगा? जमीन है लेकिन बीज नहीं है तो बिना बोए क्या मिलेगा? ये छोटी सी बात हमारे लिए बड़ी महत्व की है कि आप जो जप करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, मंदिर जाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब बीज है, ये उपासना है, ये बीज है। जब तप, दान, यात्रा, दर्शन, मंदिर, ये सब बीज है। सत्य, अहिंसा, दया, प्रामाणिकता, परोपकार, ये जमीन है। धर्म माने धरा, धर्म मानी ये जमीन है, हमारे अंतःकरण की जमीन है, हमारे भीतर का खेत है। अब आजकल लोग क्या कहते हैं कि हमने इतना जप किया लेकिन कोई फल नहीं मिला, हमने इतना बड़ा दान किया पर कोई फल नहीं मिला, हमने इतनी यात्राएं कर ली लेकिन कोई फल नहीं मिला, हमने इतना पूजा पाठ कर लिया लेकिन कोई फल नहीं मिला। फल नहीं मिलेगा ऐसा तो कैसे होगा? मतलब यह है कि आपने बीज तो बहुत बोया, खेत में नहीं बोया, क्योंकि अहिंसा नहीं है जीवन में, सत्य नहीं है, दया नहीं है, परोपकार नहीं है, मानवता नहीं है। जब आपके भीतर धरा ही नहीं है और आपने बोया तो कैसे उगेगा? आप अपने कमरे के मार्बल में आपने बो दिया, थोड़ा उगेगा। खेत तो चाहिए, सीमेंट में आपने बो दिया थोड़ी उगेगा, धरा तो चाहिए। ये बहुत छोटी बात, लेकिन आप जो कुछ क्रिया करते हैं, एक माला भी आप जपते हैं तो परिणाम आएगा, लेकिन धरा होनी चाहिए। 5 मिनट भी आप पूजन दर्शन मंदिर करते हैं, परिणाम आना चाहिए, लेकिन धरा हो तो आएगा, क्योंकि बीज तो बो रहे, रोज मंदिर जाते हैं, रोज धूप दीप जलाते हैं, एकादशी रखते हैं, बार बार यात्रा कर लेते हैं, बीज तो बहुत बो रहे आप, लेकिन धरा को तैयार नहीं कर रहे हैं। जीवन में सत्य को लाने का प्रयास नहीं है, परोपकार लाने का प्रयास नहीं है, अहिंसा के लिए कोई प्रयास नहीं है, दयावान बनने के लिए कोई प्रयास नहीं है। ये क्या हुआ कि जमीन नहीं है,
तो खेत के अभाव में बीज का कोई मतलब नहीं, और बीज के अभाव में खेत का भी कोई मतलब नहीं। भागवत का शुभारंभ ही ये बात स्पष्ट करता है कि धर्म है व्यक्ति का अपना अंतःकरण, और अंतःकरण में दया का होना, सत्य का होना, परमार्थ का होना, अहिंसा का होना, ये खेत है, ये धरा है हमारी। अगर इसमें कोई कमी है तो कितनी भी माला जपो परिणाम नहीं आएगा, कितना भी दान कर दो परिणाम नहीं आएगा, कितनी भी एकादशी कर लो परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि खेत नहीं है। और कुछ लोग केवल उसी से संतुष्ट है कि हम झूठ कभी नहीं बोलते, हम हिंसा नहीं करते, हमारे भीतर धरा है इसी से संतुष्ट है। लेकिन दो नाम नहीं जपोगे तो बिना बोए खेत भी क्या देगा आपको? तो ये सारी क्रिया है, व्रत करो, जप करो, दर्शन करो, बोना भी जरूरी है, मंदिर जाओ, यात्रा करो, बोना भी जरूरी है। लेकिन अंतःकरण की धरा में अहिंसा, सच्चाई, दया और परमार्थ का होना, ये धरा का होना, ये दो बात महत्व की है। और अगर इतना है तो एक एकादशी भी परिणाम देगी, एक माला भी परिणाम देगी। एक बार मंदिर जाकर मस्तक झुकाया तो परिणाम आएगा, क्योंकि खेत में बोया। अंतःकरण बनाने का उपाय सूत जी बताते हैं, हमारी धरा अच्छी हो, धर्म के अनुकूल हो, हम हमारा अंतःकरण श्रेष्ठ हो, इसका उपाय है दिव्य चरित्रों को जीवन में समझें। सूत जी कहते हैं, इदं भागवतं नाम पुराणं हमारा अंतःकरण ही योग्य नहीं है, हमारी धरा श्रेष्ठ नहीं है, हमको अहिंसा अच्छी नहीं लगती, सत्य अच्छा नहीं लगता, परमार्थ हमको अच्छा नहीं लगता, हमको किसी को देना ही अच्छा नहीं लगता, केवल लेना ही अच्छा लगता है। जब तक हमारी धरा, हमारा खेत ठीक नहीं है, तब तक हमें भगवान के अवतार की कथा हमारे लिए तब तक महत्वपूर्ण नहीं है, तब तक हमारे लिए भक्तों का चरित्र महत्वपूर्ण। चरित्र बनाने के लिए चरित्रों की ही जरूरत होगी। ऐसे लोगों के लिए ही भागवत में चरित्र कथा बहुत है, अवतार कथा उतनी नहीं है। भागवत में जितनी चरित्र कथा है, अम्बरीश जी का चरित्र, ध्रुव जी महाराज का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, पृथु महाराज का चरित्र,
श्रेष्ठ चरित्रों की जो कथा है उसको अपना आदर्श मान करके, अपना लक्ष्य समझ करके उसी से हमें अपना चरित्र बनाना है। क्योंकि जो व्यक्ति चरित्रवान नहीं बना है, जिसके चरित्र में ही कोई कमी है, उनके लिए न तो कोई साधना है न तो कोई अनुष्ठान है। सदाचार के अभाव में साधना करो कोई फायदा नहीं, सदाचार के अभाव में कोई मंत्र लेकर बैठ जाओ कोई फायदा नहीं। पहली बात ही चरित्र होता है, और चरित्र बनाना है तो आपके सामने तो कोई चरित्र होना चाहिए कि मुझे अमरीश जी जैसा बनना है, मुझे पृथ्वी महाराज जैसा बनना है, मुझे परशुराम जी जैसा बनना है, मुझे प्रहलाद जैसा बनना है, मुझे ध्रुव जैसा बनना है, नरसिंह मेहता जैसा बनना है, स्वामी विवेकानंद जी जैसा बनना है, रामकृष्ण परमहंस जैसा बनना है। कोई भी दिव्य चरित्र सामने रखना पड़ेगा अगर स्वयं का चरित्र बनाना है। दुनिया के ऊपर चरित्र का ही अद्भुत प्रभाव है, व्यक्ति के वैभवों का, कपड़ों का, वेशभूषा का यह क्षणिक प्रभाव है। लेकिन व्यक्ति चरित्रवान नहीं है, बहुत जल्दी दुनिया उससे हट जाती है, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाती। कपड़े के दुकान में जो पुतले रखे होते हैं ना, उसके ऊपर 50,000 के सूट होते हैं, लेकिन जैसे ही पता चले कि ये असली नहीं है, ये पुतला है, दूर से लगे कि कोई खड़ा है और हजारों की साड़ी पहनकर, लाखों रुपए की साड़ी पहनकर कोई खड़ा है, जरूर आप प्रभावित हो जाओ। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो पुतला है, फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। उस प्रकार हमारा वैभव, हमारे साधन, हमारे वाहन, चाहे जितने महंगे कपड़े पहन के घूमो, लेकिन जैसे ही दुनिया को पता चलता है कि ये पुतला है, इसके व्यवहार में कुछ नहीं है, इसके चरित्र में कोई दम नहीं है, इसके स्वभाव में कुछ कोई दम नहीं है, तो संसार तो पल में अट जाता है। सूत जी कहते हैं, उत्तम श्लोक चरितम। मनुष्य के लिए पहली आवश्यकता है कि वो अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनावे, और इसके लिए कोई महान चरित्र को अपना आदर्श माने, ये पहला कदम है भागवत का। इतना अगर नहीं हुआ तो आप कितना भी बड़ा मंदिर बना के बैठ जाओ, आत्मसंतुष्टि नहीं होगी ना। कितने भी बड़े बड़े दान करो, कितने भी बड़े बड़े नाम लगा दो इमारतों पर अपना कि ये इनकी ओर से बना, कोई आत्मसंतुष्टि नहीं होगी आपको। क्योंकि चरित्र निर्माण, स्वयं के चरित्र का निर्माण, ये जीवन सिद्धि का पहला कदम है। स्वयं के चरित्र का निर्माण जीवन सिद्धि का पहला कदम है। दुनिया के लिए करना है वो दूसरे नंबर पर, साधन भजन करना है दूसरे नंबर पर, व्रत करना है दूसरे नंबर पर, अनुष्ठान करना है दूसरे नंबर पर, जप तप करना है सब दूसरे नंबर पर, लेकिन पहला कदम यही होगा कि हम स्वयं के चरित्र का निर्माण करें, और इसके लिए कोई अद्भुत चरित्र को अपना आदर्श माने, अपना प्रेरणा गुरु माने, कि हमें विवेकानंद जी से सीखना है, परमहंस जी से सीखना है, ध्रुव से सीखना है, मीरा से सीखना है, शबरी से सीखना है, तुलसीदास जी से सीखना है, आपको जो ठीक लगे। लेकिन कोई एक एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे ऐसा बनना है, ये पहला कदम है।
चरित्र निर्माण के अभाव में जो मिलेगा उसका बोझ लगेगा। धन मिलेगा तो वो आपके बोझ का कारण बनेगा, संतान हो गई तो वो बोझ का कारण बनेगा, प्रतिष्ठा हो गई तो प्रतिष्ठा भी बोझ बन जाएगी, पद मिल गया तो पद भी बोझ बन जाएगा। दुनिया में जो कुछ प्राप्त होगा वो सारी की सारी उपलब्धि आपको ही दबाएगी, आपकी नाक दबाएगी। अगर चरित्र के अभाव में मिल गई है तो वो नाक दबाएगी, उपलब्धि नाक दबाएगी। सूत जी ने संक्षिप्त रूप में पहले भगवान के 24 अवतार का नाम बताया कि संतों के भी चरित्र होते हैं, कभी कभी स्वयं परमात्मा अवतार लेकर भी मार्गदर्शन के लिए एक अद्भुत चरित्र जगत के सामने पेश करते हैं। जगत को बनाने वाला और जीवन को देने वाला ईश्वर खुद दुनिया में आकर के जी करके हमको बताते हैं कि जीवन ऐसा होना चाहिए। जैसे किसी को काम सिखाते हो तो आप खुद करके दिखाते ना, ऐसे करते हैं। कोई आपको गाड़ी चलाना सिखाता है तो वो पहले खुद चलाता है और आपको बताता जाता है। उसी प्रकार स्वयं परमात्मा मनुष्य को जीवन सिखाने के लिए मनुष्य रूप में आता है और जीकर बताता है कि जीवन ऐसा होता है। वो सारे के सारे चरित्र हमारे आदर्श है। जब 24 अवतार के नाम सूत जी ने बताए तो सौनकादि ऋषि पूछने लगे कि सूत जी, भगवान के 24 अवतार आपने देखे? सूत जी ने कहा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन एक बात है, जिस सदगुरु ने मुझे भागवत पढ़ाया, सिखाया, सुनाया, उन्होंने देखा है और उनके वचन पर मेरा विश्वास है। असल में अध्यात्म यात्रा वो कर सकता है जिसको गुरु के वचन पर विश्वास हो, क्योंकि अध्यात्म में आगे बढ़ना वो उस अनदेखी दुनिया के लिए सब कुछ छोड़ना होता है जिसको कभी हमने नहीं देखा। उस परमात्मा के लिए हम काम करें, उस परमात्मा के लिए हम निर्माण करें, उस परमात्मा के लिए हम जप तप करें, उस परमात्मा के लिए हम त्याग करें, ये तो तब होगा गुरु के वचन पर विश्वास होगा। गुरु और शिष्य की परंपरा में दो ही बात सर्वोपरि होती है, वचन गुरु का, विश्वास शिष्य का उनके प्रति। वचन और विश्वास का संगम ही गुरु शिष्य का संगम, गुरु शिष्य का मिलन है। गुरु की ओर से वचन ही वचन मिलेंगे और शिष्य की ओर से विश्वास ही विश्वास। विश्वासो गुरु वाक्येषु, विश्वासो गुरुवाक्येषु, विश्वासो
अध्यात्म जगत की एक भी अनुभूति संभव नहीं है अगर गुरु के वचन में हमारा विश्वास नहीं है। जिस सत्य को हमने खुद कभी नहीं देखा लेकिन जिनकी आंखों ने देखा है उनके वचन पर हमारा विश्वास, वो विश्वास ही हमसे जप कराता है, तप कराता है, साधना कराता है, आराधना कराता है, वो विश्वास ही सब कुछ कराता है। जिस गांव के होने में ही संदेह है उस दिशा में एक कदम भी क्यों चलेंगे, जिसके होने में ही सवाल, लेकिन जिसके होने में कोई शक नहीं उसकी प्राप्ति के लिए हम हजारों प्रयास कर लेंगे। जिसके होने में संदेह है हम एक भी प्रयास क्यों करेंगे, ईश्वर प्राप्ति के लिए हम हजारों उपाय जो करना पड़े करेंगे, जो छोड़ना पड़े छोड़ेंगे, जो सहना पड़े सहेंगे, जो त्यागना पड़े हम त्यागेंगे। सब कुछ तब कर सकते हैं जब गुरु के वचन पर विश्वास हो, उसके होने में शक नहीं होना चाहिए। एक तो भगवान के होने में संदेह ना हो, दूसरा भगवान की कृपा में संदेह ना हो। वही भजन करेगा। विश्वासो तत्व का अनुभव कर सकता है, भले उसको पढ़ना नहीं आता हो लेकिन परमात्मा की अनुभूति वो कर सकता है केवल ये एक श्लोक धारण कर ले। विश्वासो गुरु वाक्य सु, गुरु वाणी पर विश्वास, स्वस्मिन दीनत्व भावना विनम्रता, मनोदोष जयश्चैव, मन के अंदर राग द्वेष कपट जो है उसको दूर करने का प्रयास, भले ही न हो लेकिन प्रयास न छोड़े, भले ही नहीं होता लेकिन कोशिश करते रहे। एक व्यक्ति को धीरे धीरे रोज 5 बार प्रहार करोगे तो मर जाएगा एक बार। जिस पर रोज 5 प्रहार आप कर लेते हैं, ज्यादा नहीं मार रहे लेकिन रोज थोड़ा 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 मारते रहो मर जाएगा कभी। अरे दोष को दोष मानो तो भी निकल जाएगा, दोष तब नहीं निकलते कि जब ये मान लेते हम कि ये कोई ज्यादा नहीं है, ये कोई खराबी नहीं है। कई लोगों में तो हमसे भी ज्यादा दोष है और हमारे जीवन में 2-3 है तो इसमें क्या रहने दो, ये बात विचित्र है। दोष को दोष मानो तो निकलना पड़ता है उसको, चोर को चोर मानो तो उसको भागना ही पड़ेगा।